स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक फर्दर, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ चैप्टर 8 मोशन. यस्टरडे वी लेफ्ट एट क्वेश्चन नंबर 5, सो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पेज नंबर 110. A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? देखिए, एक stone है जिसे हम vertically upward direction में throw करेंगे, मतलब उसे सीधा ऊपर फेंकेंगे, ठीक है? अच्छा, उसे किस velocity से हम ऊपर फेंक रहे हैं? क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हम ऊपर फेंक रहे हैं. जिस वेलोसिटी से आप स्टोन या ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी. यानी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड. नाउ फिर आगे कहा है कि उस स्टोन में एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है a, कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. Now this point must be noted. Object stone कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ. तो उसका direction of motion है ऊपर की तरफ, जबकि उसमें acceleration हो रहा है downward direction में. यानी motion की जो direction है उसके opposite में acceleration हो रहा है, तो ये negative acceleration होगा, तो हम यहाँ पर minus लगाएंगे, ठीक है? Now अब आगे पूछा है क्योंकि वो stone maximum कितनी height यानी कि distance cover करेगा ऊपर की तरफ, और उसे उस हाई डिस्टेंस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. तो हमें कैलकुलेट करना है हाइट यानी कि डिस्टेंस, और उसे उस हाइट या डिस्टेंस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. नाउ यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब ऑब्जेक्ट उस मैक्सिमम हाइट या डिस्टेंस तक पहुंचेगा तो पहुंचने के बाद फाइनली वो वहां पर स्टॉप होगा, रेस्ट में आएगा, चाहे बहुत कम टाइम के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक बार रुकेगा फिर नीचे आएगा. तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी 0 मीटर पर सेकेंड. तो फिर से देख लीजिए, एक स्टोन है जिसे हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, मतलब सीधा ऊपर फेंक रहे हैं, किस इनिशियल वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकेंड, तो u हो गया 5 मीटर पर सेकेंड. इस इनिशियल वेलोसिटी से हम उस स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड सीधा ऊपर फेंक रहे हैं, और उसमें नीचे की तरफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है नीचे, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, तो a माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ऊपर की तरफ एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, उस हाइट तक पहुंचने के बाद वो फाइनली स्टॉप होगा, रुकेगा, रेस्ट में आएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी 0 मीटर पर सेकेंड. अब वो कितनी हाइट या डिस्टेंस कवर करेगा, विच वी हैव टू कैलकुलेट, और उसे वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. नाउ सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हाइट यानी डिस्टेंस, जिसके लिए हमारे पास थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. लेकिन फर्स्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें एस नहीं है. सेकेंड या थर्ड हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड में एस तो है, यू भी है, बट टी नहीं गिवन है, तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते. थर्ड में ए हमारे पास है, एस हमें कैलकुलेट करना है, वी और यू हमारे पास है, तो वी विल अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. 2 इनटू ए माइनस 10 इनटू एस, वी हैव टू कैलकुलेट वी 0 का स्क्वायर माइनस यू 5 का स्क्वायर. 2 इनटू माइनस 10 माइनस 20 इनटू एस इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 5 का स्क्वायर 25. माइनस 20s इज इक्वल टू 0 माइनस 25. माइनस 25 माइनस से माइनस कट गया, 20s से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो s इज इक्वल टू 25 अपॉन 20. 5 से आप डिवाइड कीजिए दोनों को, तो 5 अपॉन 4, 5 को डिवाइड कीजिए 4 से, तो आएगा 1.25 मीटर. यानी वो स्टोन ऊपर की तरफ कितनी मैक्सिमम हाइट डिस्टेंस कवर करेगा? 1.25 मीटर. नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है टाइम. v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि v हमारे पास है, u हमारे पास है, a हमारे पास है, और t हमें कैलकुलेट करना है. v कितना है? 0 इज इक्वल टू u 5 प्लस a माइनस 10 इनटू t, वी हैव टू कैलकुलेट.
जीरो इज इक्वल टू फाइव प्लस माइनस टेन इंटू टी माइनस टेन टी, जीरो इज इक्वल टू फाइव प्लस माइनस माइनस टेन टी, माइनस टेन टी को इधर ले जाओ तो प्लस टेन टी इज इक्वल टू फाइव, टेन टी से मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड करेगा, फाइव अपॉन टेन, फाइव अपॉन टेन मीन्स पॉइंट फाइव सेकेंड्स। तो इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में स्टोन को कितना टाइम लगेगा, पॉइंट फाइव सेकेंड्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव, मेन एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 112, क्वेश्चन नंबर फोर। A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? एक मोटर बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब पहले वो रेस्ट में था, स्टॉप था, स्टेशनरी कंडीशन में था, मूव नहीं कर रहा था, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगी, 0 meter per second, ठीक है। फिर उसके बाद वो स्टार्ट हुआ और एक्सिलरेट किया, किस रेट से, 3 meter per second square, तो उसका एक्सिलरेशन है 3 meter per second square, कितने टाइम के लिए, 8 seconds के लिए। तो आप बताइए इस टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मीन्स हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, कि इस टाइम में वो कितनी फार, कितनी दूर गई, मतलब कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, यानी कि एस डिस्टेंस यू हैव टू कैलकुलेट। इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, आपको एस कैलकुलेट करना है। यू कैन अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपके पास यू है, टी है, ए है, सो यू कैन इजीली अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू कितना है, 0 इंटू टी 8 प्लस हाफ इंटू ए 3 इंटू टी 8 का स्क्वायर, 0 इंटू 8 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर 64 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 32। एस इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू 3 3 इंटू 32, 0 प्लस 3 इंटू 32 96, एस इज इक्वल टू 0 प्लस 96 96 मीटर। तो मोटर बोट ने इस टाइम पीरियड 8 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 96 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर With what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? देखिए 20 meter height से एक बॉल को धीरे से नीचे ड्रॉप किया जाता है, तो आप कितनी हाइट से बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, 20 meter height से, यानी कि बॉल कितनी हाइट पे, 20 meter, और वहां से उसको ड्रॉप रिलीज छोड़ रहे हो, तो वो नीचे की तरफ कितनी हाइट या डिस्टेंस कवर करेगी, ऑब्वियस है 20 मीटर, तो वो जितनी हाइट पे है नीचे की तरफ उतनी हाइट डिस्टेंस कवर करेगी, दैट इज 20 मीटर। अब आगे कहा है उसकी वेलोसिटी किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 10 meter per second square, यानी वेलोसिटी किस रेट से इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 10 meter per second square। फिर कहा है कि जब वो ग्राउंड से टकराएगी तो टकराते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब बॉल को आप 20 मीटर हाइट से ड्रॉप करते हो तो ड्रॉप करने से पहले बॉल रेस्ट में होती है, तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी लेंगे 0 meter per second, और वो जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, विच वी हैव टू कैलकुलेट। और कितना टाइम लगेगा उसे ग्राउंड तक पहुंचने और टकराने के लिए, यानी कितने टाइम बाद वो ग्राउंड से टकराएगी, स्ट्राइक करेगी। तो यहां पर क्या है गिवन कि 20 मीटर हाइट पे एक बॉल है जिसको हम उस 20 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, यानी बॉल को आप जब 20 मीटर हाइट से ड्रॉप करोगे तो बॉल नीचे की तरफ कितनी हाइट डिस्टेंस कवर करेगी, 20 मीटर। तो उसकी हाइट डिस्टेंस जो उसने कवर की, दैट इज 20 मीटर।
ड्रॉप करने से पहले वो रेस्ट में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, तो u 0 मीटर पर सेकेंड। फिर कहा है कि उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी यानी कि फाइनल वेलोसिटी, और उसे कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को स्ट्राइक करने में, यानी आपसे फाइनल वेलोसिटी और टाइम पूछा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट v। आप सोचेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, लेकिन इसके लिए u चाहिए विच इज गिवन, a चाहिए गिवन, t वो तो पूछा है तो हम फर्स्ट अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड a हमारे पास है, s हमारे पास है, v हमें नहीं पता जो हमें कैलकुलेट करना है, और u हमारे पास है, तो वी विल अप्लाई थर्ड। आपने कहा क्यों ना सेकेंड, सेकेंड में s है u है बट t नहीं है, कोई प्रॉब्लम, और a है। ठीक है, तो हम फर्स्ट सेकेंड नहीं बल्कि थर्ड अप्लाई करेंगे। 2as is equal to v square minus u square, 2 into a है 10, into s 20 is equal to v, हमें कैलकुलेट करना है, स्क्वायर माइनस u 0 का स्क्वायर, 2 into 10 20 into 20 400 is equal to v square minus 0 का स्क्वायर 0, 400 is equal to v square minus 0, v square 400 है, तो v under root 400 होता है 20, तो v फाइनल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी बॉल 20 मीटर पर सेकेंड की फाइनल वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। नाउ कितना टाइम लगेगा उसे ग्राउंड को स्ट्राइक करने में, टाइम पूछा है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, वी कैन अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v हमारे पास 20 आ गया, हमने कैलकुलेट किया, इज इक्वल टू u 0 प्लस a 10 इनटू t, वी हैव टू कैलकुलेट 20 इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इनटू t 10t, 20 इज इक्वल टू 0 प्लस 10t 10t, 10t से मल्टीप्लाई करा यहां जाके डिवाइड करेगा, 20 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया 2, यानी कि टाइम कितना आया 2 सेकंड्स, यानी कि उस बॉल को ग्राउंड तक जाने और स्ट्राइक होने में कितना टाइम लगा 2 सेकंड्स। सो नाउ वी हैव सॉल्वड ऑल अनसॉल्वड न्यूमेरिकल्स गिवन इन आवर इंटेक्स एंड मेन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप एग्जांपल 8.5, 8.6 और 8.7 ट्राई करेंगे। ठीक है, ये सॉल्व है बट आपको सॉल्यूशन नहीं देख के, सिर्फ क्वेश्चन देख के इनको सॉल्व करना है बेस्ड ऑन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसे मैंने अनसॉल्व सारे सॉल्व किए हैं, वैसे ही ये भी सॉल्व होंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।